हेलो दोस्तों, सभी भाई बहन को मेरा नमस्कार। आज मैं चल रहा हूँ अंडा बिरयानी बनाने। ये है प्याज, दो प्याज ले लिया हूँ, लहसुन ले लिया हूँ, तीन मिर्च लिया हूँ, क्योंकि बच्चे तीखे बहुत कम खाते हैं, और ये अदरक का छोटा सा हिस्सा लिया हूँ। बाकी मैं ये टमाटर नींबू ले लिया हूँ और इधर अंडे को बॉयल कर लिया हूँ। अब मैं अंडे छीलूँगा और अंडे बिरयानी बनाऊँगा। हाँ दोस्तों, अब ये देखिए मेरा अंडा फ्राई हो चुका है। अब मैं अंडे को निकाल ले रहा हूँ। इसके बाद इधर मैं टमाटर का पेस्ट बना लिया हूँ और इधर अदरक प्याज लहसुन का पेस्ट तैयार है। इधर में खड़ा मसाला, तेज़पत्ता है, जीरा है, दालचीनी है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, इसको पीस के, और गरम मसाला भी है। ये गरम मसाला है, ये गरम मसाला। अब ये गरम मसाला को मैं पीसूंगा और अच्छे से अंडा बिरयानी बनाऊंगा। गरम मसाले में हल्का सा बिरयानी मसाला भी मिला लिए हैं। अब ये तेल मेरा एकदम गरम हो गया है। सबसे पहले इसमें हम जो है जो खड़ा मसाला है इसको हल्का सा मसाला देंगे। इसमें लौंग भी अब दो डाल दिया करें। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखिए तेल हल्का सा ज़्यादा रहेगा, तेल हल्का सा ज़्यादा रहेगा ना तो जो है चावल चिपकेगा नहीं। ये देखिए मसाला, जो गरम मसाला था ये लाल हो गया। अब इसमें हम प्याज भी डाल दे रहा हूँ। प्याज लाल हो गया तब उसके बाद अब इसमें हम मसाला मिला दे रहा हूँ। हल्का से हल्दी पाउडर भी मिला दीजिए तो उसका कलर भी उसका अच्छा लगेगा। इसकी जो है धीमे धीमे आँच में मिर्चा पाउडर भी हल्का सा मिला दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत कम खाते हैं, लेकिन हल्का सा मिला देते हैं, स्वाद अच्छा आएगा। और इसको धीमी आँच में इसको हम जो है पकाएंगे। अब ये देखिए मसाला मेरा ये पक गया है। अब इसमें बता दीजिए हल्का हल्का तेल भी छोड़ रहा है। अब मैं इसमें टमाटर का जो पेस्ट तैयार किया हूँ अब इसको चल रहा हूँ डालने। पेस्ट को डालने के बाद इसको जो है अच्छे से मिला के इसको भी हल्का सा पका लेंगे। ये टमाटर जो मिलाया था ये भी पक गया है। अब मैं इसमें चल रहा हूँ अंडे को मिला लेता हूँ। और अंडे मिलाने के बाद इसमें नींबू ये भी ला देता हूँ काट के। एक नींबू जो है मिला देने के बाद अब आप लोग जानेंगे खाने में कैसा आता है खट्टा खट्टा। दीदी भैया भाभी सभी मेरे बिरयानी अंडा बिरयानी को खाइए जैसे मैं बनाया हूँ ना। अगर आप लोग भी खाएंगे ना, वाह 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 वाह, बच्चे कहेंगे क्या बिरयानी बनाए हैं पापा। ये इधर मेरा चावल भी धुल के आ गया है। ये 250 ग्राम लगभग चावल है। अब इसको हम जो है चावल को मिक्स करने जा रहा हूँ। देखिए चावल जो है बिरयानी चावल है, चावल बहुत अच्छा है। अब इसको बनाएंगे। चावल अब डाल रहे हैं। अब चावल डालने के बाद इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर ले रहा हूँ। मिक्स करने के बाद
पानी को भी डालेंगे। अब मिक्स कर दिया हूँ, अब इसको हम पानी डालने कर रहा हूँ। पानी देख लीजिए हल्का सा, चावल जो है चावल से हल्का ऊपर रहे पानी। अब इसमें रह गया है नमक, अब इसको हम तैयार हो गया, अब इसमें हम नमक डाल दे रहा हूँ। नमक डालने के बाद सीटी बुलाएंगे, उसके बाद जो है बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगा। ये मेरा अंडा बिरयानी तैयार है, मैंने कुकर में दो सीटी बुला दिया था। ये एकदम, ये देखिए एक एक चावल इधर तैयार कर दिया हूँ। अब इसमें मैं हल्का सा धनिया लगा देता हूँ। वाह वाह, अब मैं दोनों बच्चियों को अपने दूंगा खाने के लिए। ये मेरी दोनों बच्चियाँ खा रही हैं, अब ये देखेंगे तो उसके बाद बताएंगे। बेटा पापा के हाथ की बिरयानी कैसे लगा आप लोग को? वाह पापा, ये तो बहुत अच्छा है। वाह दोस्तों, भाई बहनों, अगर आपको मेरी बिरयानी, अंडा बिरयानी अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।